Gamers, what is up? You are watching this gamers code and this is Abhi A.K.A. Prince. तो जैसा कि हम सब देख सकते हैं सीजन कौन सा आ गया स्टील लीजन आ चुका है और ये है सीजन 5 यप और ईस्टर इवेंट चल रहा है ईस्टर इवेंट में ईस्टर एग्स बैटल रॉयल इवेंट और इसके अलावा डेली लॉगिन रिवार्ड्स ईस्टर प्रॉप हंट डेली मिशंस यप अभी भी डेली मिशंस कंटिन्यू चल रहे हैं इसके अलावा ईस्टर कलेक्शन रैंक उसके अलग से रिवार्ड मिलेंगे और ईस्टर माइलस्टोन्स वीकली चैलेंजेस इस बार हमें मिल रही है आर्कटिक 50 ईस्टर 20 स्किन वीकली चैलेंजेस में भी हमें मिल रही है टी आर वी या ओ आर वी की ईस्टर 20 स्किन मंथली चैलेंजेस भी कंटिन्यू चल रहे हैं इसके अलावा डेली मिशन एक्सचेंज यहाँ पे हम जो भी हमें डेली कॉइन्स मिलेंगे उन्हें कलेक्ट कर सकते हो अलग अलग रिवार्ड ले सकते हैं जैसे कि मुझे रिवार्ड चाहिए स्पेशल ऑफ 3 मॉडल करेक्टर एच वी के मैंने ले चुका है अगला अगला रिवार्ड मुझे मालवेयर चाहिए तो चलिए देखते हैं और क्या है और उसके अलावा हमें यहाँ पे रेनबो बंडल मिल रहा है एटलीस्ट मुझे तो रेनबो बंडल मिल रहा है बाकी लोगों को क्या मिल रहा है पता नहीं तो यहाँ पे एक हमें पचकाना लड़की टाइप गन की स्किन मिल रही है मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आई यार कितना गर्लिश है और यहाँ पे दूसरी कुछ ईस्टर 20 स्किन्स ओके हैं एक है रेडिकल इमोट जो कि सही में रेडिकल है ये कुछ होली जैसी फीलिंग दे रहा है और इसके अलावा हम जैसे यहाँ पे प्रॉप हंट भी देख सकते हैं ये रहा प्रॉप हंट और ये हमारा सस्ता सा कैरेक्टर मल्टीप्लेयर में अभी तो इवेंट चल रहे हैं तीन इवेंट टू वर्सेस टू शेडो गेम शेडो डाउन सॉरी गन गेम एंड प्रॉप हंट गन गेम मैंने खेला नहीं इस बार का पता नहीं कैसा आएगा हाँ बाकी पिछले सीजन्स के मैंने गन गेम खेले हैं अच्छे होते हैं मोस्टली मैं जीत जाता हूँ बट पंगा आ जाता है जब रॉकेट लॉन्चर या स्नाइपर यूज़ करने होते हैं प्रॉप हंट अभी बाकी है कर लें प्रॉप हंट कोई बड़ी बात नहीं है इसके अलावा हम मैप्स देख सकते हैं मैप्स हमें यहाँ मिल रहा है केज मैप और किल हाउस मैप और कोर मैप में जाएंगे तो कोर मैप्स में हमें दिखाई गए मेल्टडाउन परमानेंट मैप आ चुका है टेक ऑफ मैंने डाउनलोड नहीं किया केज मैच भी मैप परमानेंट आ चुका है समिट परमानेंट है एंड बाकी सब परमानेंट है यहाँ पे हाई जैक मैंने डाउनलोड नहीं किया बिकॉज शिप वाला मुझे पसंद है और सा फील होता है इसके अलावा बैटल रॉयल में अभी कुल जवाई वारफेयर मोड था वो ख़त्म हो गया तो बैटल रॉयल का रिवार्ड अगर हम देखें तो बैटल रॉयल के रिवार्ड में अभी चल रहा है मास्टर 2 पे जाके हमें करेक्टर मिल जाएगा व्यून इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का टॉनी वेल्श ऐसा पहले भी एक करेक्टर आया था पता नहीं इसके दाढ़ी है या नहीं बट क्या करना मुझे पिछले सीजन वाले ज़्यादा बेटर लगा था इस सीज़न वाले से इसके अलावा यहाँ पे हमें क्लाउन की स्किन मिल रही है और चक्कू भी मिलता है हाँ हाँ ये इंडस्ट्रियल लाइफ अच्छा दिखाई देता है पैरा शूट भी है बैग भी है बैग चाहिए यार मुझे बैग चाहिए बैग बड़ा ओ हो हम इसको कैसे भूल गए भाई मोटरसाइकिल इंडस्ट्रियल यार खतरनाक बाइक है एकदम स्किन एकदम तोड़ू है हाँ मुझे पता है आपको साउंड नहीं आ रही होगी बिकॉज ऐसा ही होता है मेरे साथ
इसके अलावा मल्टीप्लेयर में अगर रैंक देखी जाए, मेरे रैंक पर ध्यान मत देना, मैं नोब हूँ, इतना भी अच्छा नहीं खेलता। तो मल्टीप्लेयर में हमें स्किन्स मिल रही है। सबसे पहले तो हमें फ्लैश की स्किन मिलती है, उसके बाद हमें MW11 की स्किन मिल रही है, फिर हमें FHJ18 की स्किन मिल रही है, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। BK57 की भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्किन, बहुत ऑसम स्किन है, मुझे बहुत पसंद है BK57। और ये रहा हमारा मेगा रिवॉर्ड मैन ओवर। पता नहीं लोग बेकार वेपन क्यों बोलते हैं, मुझे तो इसकी एक्यूरेसी भी ओके लगी, रेंज भी ओके। हाँ, अगर ये बस्ट फायर है तो मैं कह नहीं सकता, बिकॉज मैंने अभी तक सिर्फ शेडो टाउन में यूज़ किया है, एंड उसमें मुझे बस्ट फायर जैसा पता नहीं चला, क्योंकि वो शॉर्ट पीरियड के लिए था, बहुत शॉर्ट। उसके अलावा हमें लेजेंडरी पे जाने का स्टील लीजन फ्रेम मिल जाएगा, जो कि स्टील का बिल्कुल नहीं लग रहा, प्लास्टिक का लग रहा है, अति टाइम पास। उसके अलावा अगर हम क्रेडिट स्टोर देखा जाए, तो क्रेडिट स्टोर इन्होंने इस बार ग्राफिक्स काफ़ी चेंज किए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले यहाँ पे कैरेक्टर्स दिखाते थे इस जगह पे। हाँ, ये दो कैरेक्टर्स है इस सीज़न के, हमने पास बाय नहीं किया तो हमें नहीं मिला, ये डेविड मैसन है। और इसके अलावा एक कैरेक्टर हमें स्टार्टिंग में मिल जाएगा, जिसको रीपर बोलते हैं। यार, इसका साउंड बड़ा मस्त है, देखिए सारा इसे एकदम एंड्रॉयड टाइप फीलिंग दे रहा है, कति आयरन में हो रहा है। उसके अलावा इन्होंने यार कोई स्कीम भी नहीं लगाते हैं, अब 400 लगाने पड़ेगा, 399। हाँ, इन्होंने एक ये MSMC की जेड स्किन डाल ली, यार कितनी वाहियात स्किन है ये। M4 LMG की स्किन तो मैंने ले ली। अगला टारगेट हमारा है PDW की स्किन लेने का, बिकॉज मैंने देखा है लोग मोस्टली ये यूज़ करके फटाफट पेल के चले जाते हैं, और हम रीलोड ही मारते रहते हैं। स्नाइपर में यूज़ करता नहीं, इसलिए स्नाइपर हम ले गए नहीं। उसके अलावा मुझे ये कैरेक्टर भी चाहिए, और ये वाली J358, वैसे तो मैं ये यूज़ नहीं करता, इसलिए मेनली टारगेट मेरा टैंक कैरेक्टर का है। उसके अलावा ये सब तो आप देख ही सकते हैं, अभी तक कोई स्कोर स्ट्रीक्स या फिर ऑपरेटर स्किल नया आया नहीं है स्टोर में, करेंटली सिर्फ वेपन्स अपडेट हुए हैं। तो अब हम चलते हैं वापस लिमिटेड ऑफर में देखते हैं, लिमिटेड ऑफर में हमें मिल रही है 50 रुपये में ये स्किन। अभी ये तो मेरे पास फ्री में ही पड़ी है, रेड ट्रायंगल। तो तुम्हें हिसाब से कुछ है नहीं बताने वाला। इन्वेंट्री इन्होंने यहाँ नीचे शिफ्ट कर दी, मैंने कभी खोल के नहीं देखी थी इन्वेंट्री यहाँ नीचे, मैं तो ऊपर लोड आउट से जाता हूँ मोस्टली। हाँ, ये कैरेक्टर हमें फ्री में मिला, कति पसीना निकाल दिया भाई इस कैरेक्टर ने। इसके अलावा ट्रैप मास्टर, इस एबिलिटी के लिए भी हमने काफ़ी मेहनत करी, ऐसे काफ़ी तो नहीं करी बट हाँ मेहनत करी। ट्रैप मास्टर काफ़ी अच्छी एबिलिटी है। इसके अलावा एक और एबिलिटी आने का भी बोल रहे हैं, ये नई क्यूबिक इल्यूजन स्किन है, ये मैं इक्विप कर ही देता हूँ VR में। तो मोस्टली शायद मैंने सब कुछ बता दिया है, इसके अलावा कुछ खास तो मुझे नहीं लग रहा है करंटली है। हाँ, यहाँ पे फ्यूजन कोर बंडल, जिसमें हमें MSMC की स्पेस स्टेशन स्किन मिल रही है। इस स्किन की ये स्पेशलिटी है कि आप अगर एक किल करते हो तो उतने बुलेट्स आपको वेपन में वापस मिल जाएगी,
इसके अलावा एक स्पेशल स्पेस स्टेशन डेड इफेक्ट भी आएगा, मतलब आपने किसी को हिट किया और वो डाउन होगा बट स्पेस स्टेशन टाइप कलर में, मतलब ब्लू से कलर में पूरी बॉडी उसके ग्लो करेगी और एकदम शॉक जैसी फिर आएगी। हाँ, शॉक से एक बात याद आई, इस सीजन के जो स्टील लीजन है उसमें फ्री वालों को कोई स्पेशल गन की स्किन नहीं मिली, सिर्फ एक ही गन की स्किन मिली है मेरे अकॉर्डिंग, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। AK-117 कहाँ गई, ये रही, कितनी ऑर्डिनरी स्किन है। हाँ, 25 पे हमें एक शौकार से जो मिल जाता है जो कि एक आई थिंक ऑपरेटर स्किल है, नहीं स्कोर स्ट्रीक स्किल है, ये अपने सामने वाले एनिमी को शौक देता है थोड़ा टाइम के लिए, तब तक आप उसे जाके पेल सकते हो। उसके अलावा अगर आप रॉयल पास खरीदना चाहते हो फिर आप बड़े अमीर लोगों खरीद सकते हो, भाई क्या कहना आपका भी। यहाँ पे लगता कोई इवेंट कंप्लीट हो गया हमारा, ओ ईस्ट्रे वाला, जब जरूरत नहीं रहती तभी सामान अपने आप फिनिश होता है और ऊपर से लोग ऐसे ही वाहियात नोटिफिकेशन, यार नाम चेंज किया तो हमें क्यों नहीं। सो गाइस, दिस वीडियो इज सफिशेंट आई थिंक, इससे ज़्यादा इस वीडियो में कुछ नहीं बताने वाला, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। I'm gonna be a little bit.